विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने सरकारी पदों पर युवाओं की भर्ती का मुद्दा उठाया। अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने के लिए 2020 के बाद कमेटी की बैठक नहीं हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि इसके लिए सरकार ने समिति बनाई है। सदन में सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्यों ने बहिर्गमन किया। इसके बाद प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने पूछा कि जनवरी 2019 से 31 जनवरी 2022 तक छत्तीसगढ़ शासन में कितने व्यक्तियों को विभिन्न पदों पर नियमित रूप में नवीन नियुक्तियां दी गई हैं। साथ ही पूछा, क्या ये सही है कि अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्त विभाग ने 40,035 पदों की स्वीकृति दी है। इसमें से 11,494 पदों में भर्ती पूरी कर ली गई है। 28,541 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा कार्यकाल से ज्यादा भर्तियां कांग्रेस के कार्यकाल में हो रही हैं। अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सचिवों की कमेटी की बैठक 9 जनवरी 2020 को हुई थी। कमेटी ने विधि विभाग से अभिमत मांगा है। अभिमत अभी अपेक्षित है। सरकार के जवाब से असंतुष्ट भाजपा विधायकों के सवाल उठाने से सदन में पक्ष विपक्ष के बीच शोरगुल हुआ। छत्तीसगढ़ के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को मंत्री अमरजीत भगत ने सदन के पटल पर रखा। आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2021-22 की रिपोर्ट में राज्य की जीडीपी दर 11.5% हो गई है। वहीं जीएसडीपी में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। प्रति व्यक्ति आय में 11.93% की वृद्धि हुई है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में भाजपा विधायक अजय चंद्राकर और रंजना दीपेंद्र साहू ने प्रदेश में बढ़ती ऑनलाइन ठगी के मामले में गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा, साइबर ठगी के मामले में गृह विभाग संवेदनशील है और 7 प्रकरणों में गिरफ्तारी हुई है। विधानसभा सत्र के दौरान स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले जाने के कारण प्रदेश के हिंदी स्कूलों को बंद करने का मामला भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल ने उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके कारण हिंदी माध्यम स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की कमी हो रही है। जवाब में सत्ता पक्ष ने कहा कि प्रदेश में हिंदी स्कूल बंद नहीं किए जा रहे हैं। जहां से शिक्षकों के तबादले हुए हैं उन्हें रिलीव नहीं किया गया है। समीक्षा लिखे जाने तक सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा पेश किए गए 492,33,72,398 रुपए के अनुपूरक बजट पर चर्चा जारी थी। इसी के साथ विधानसभा में आज की कार्यवाही की समीक्षा यहीं समाप्त हुई। नमस्कार।